गर है खुशबू तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग, गर है खुशबू तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग, गर है मिट्टी, गर है मिट्टी तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, हम रूह सफ़र हैं हमें नामों से न पहचान, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज में जिस चीज़ की आवश्यकता रहती है, समाज का थोड़ा सा एक कुछ प्रतिशत वर्ग है जो उसको पहले भांप लेता है। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो सब लोगों को एकदम से जानकारी नहीं मिल गई कि हम गुलाम हो गए हैं। कुछ लोग थे जिनको पहले जानकारी मिल गई थी कि हम गुलाम होने वाले हैं, उन्होंने पहले ही क्रांति शुरू कर दी, बाकी लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। बाकियों को उन्होंने जगाया। उसके बाद एक बार आया था इंडिया में जब अकाल पड़ गया था, खाद्यान्न कम मिल रहे थे, उस समय कुछ लोगों को पहले पता चल गया था कि हमारे आने वाले 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा होने वाला है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। उस समय आंदोलन चले, लोगों ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि अनाज को बचाओ, मुझे ऐसा मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और उस समय ऐसे आंदोलन चले जो अनाज को बचाने के लिए थे। 1947 से पहले ऐसे आंदोलन चले जो आज़ादी दिलाने के लिए थे। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो खतरे को भांप गए हैं। भ्रष्टाचार समाज में किस हद तक फैल गया है और आने वाले समय में ये क्या करने वाला है, कुछ लोग उस खतरे को भांप गए हैं जो समाज में जागरूकता का काम कर रहे हैं। और आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि आप उन जागे हुए लोगों में से है जो बाकी समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये संगठन उसी तरीके से कामयाब होगा जिस तरीके से हमारे पुराने मिशन जो कामयाब हुए हैं इंडिया में, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं एक और व्यक्ति को यहाँ पर मैं विशेष उनका स्वागत करूँगा, आदिल का। आदिल 6 साल का बच्चा है, आप खड़े होकर तालियों के साथ अपना अभिवादन स्वीकार करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ये बोल रहे हैं, जैसे जगजीत भाई ने बोला, ये दिमाग में इनके छप रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या होगा भाई। और बड़ी जिद कर रहे थे बच्चा कि मेरी कविता भी बोलनी है वहाँ पर जाके, तो मैं आदिल को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप एक कविता भी बोल दें। आदिल साहब, वो खून का हो किस मतलब का, हाँ वो खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून का हो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून का हो किस मतलब का जिसमें जीवन निर्वाण नहीं है, वो खून का हो किस मतलब का आ सके नहीं, वो खून का हो किस मतलब का जिसमें जीवन निर्वाण नहीं है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है, जिस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता की खाते बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। थैंक यू।